फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी 2016 में आई एक हॉरर मूवी फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनकी एक क्लासमेट मरीना ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद स्टोरी जाती है अपने फ्लैशबैक में जहाँ हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लॉरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। लॉरा अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की होती है और वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहती है और वो अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को FB पर पोस्ट करती है। फिर बताया जाता है कि लॉरा अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है जहाँ उसे मरीना नाम की एक लड़की घूर रही होती है। मरीना लॉरा की क्लासमेट होती है और उसी रात जब लॉरा अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक करती है तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मरीना की, और जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो लॉरा को पता चलता है कि ये वही लड़की है जो उसे कैंटीन में घूर रही थी। लॉरा देखती है कि उसके फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 0 फ्रेंड है। लॉरा उसकी प्रोफाइल के और भी पोस्ट देखती है जो कि काफ़ी वियर्ड और क्रिएटिव होते हैं। ये सब पोस्ट देखकर लॉरा को लगता है कि मरीना की प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो क्रिएटिव है, तो इसी कारण वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे दिन लॉरा मरीना से मिलती है और उसी रात लॉरा को सपना आता है जिसमें वो मरीना को देखती है और वो काफ़ी डर जाती है और नींद से जाग जाती है। अगले दिन लॉरा को मरीना का मैसेज मिलता है और जहाँ मरीना लॉरा को उसके बर्थडे का रिमाइंड करवाती है क्योंकि अगले दिन लॉरा का बर्थडे होता है। इसके बाद लॉरा फिर से मरीना का प्रोफाइल चेक करती है तो उसे काफ़ी भयानक और डरावनी पोस्ट देखने को मिलती है, और अब लॉरा को लगने लगता है कि मरीना ठीक लड़की नहीं है और वो मरीना को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट नहीं करती है। लॉरा मरीना से झूठ कहती है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती है और लॉरा अपनी बर्थडे पार्टी की फ़ोटोज़ FB पर पोस्ट कर देती है, और ये सब पोस्ट मरीना देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरा ने उसे झूठ कहा था। नेक्स्ट डे कॉलेज में मरीना लॉरा से मिलती है और उस पर भड़क जाती है और उसे सबके सामने झूठा और धोखेबाज कहती है और उससे कहती है कि उसने कभी उसे अपना फ्रेंड माना ही नहीं था। मरीना ने लॉरा के लिए एक गिफ्ट बनाया होता है लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया। फिर उन दोनों के बीच झड़प होती है और इसी बीच मरीना की कैप हट जाती है और फिर लोगों को पता चल जाता है कि उसके सिर पर बाल नहीं है। उसके बाद मरीना वहाँ से भाग जाती है। उसी रात मरीना लॉरा को वीडियो कॉल करती है लेकिन लॉरा वीडियो कॉल काट देती है और फिर लॉरा उसे अनफ्रेंड कर देती है और अब मरीना के फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 0 फ्रेंड रह जाते हैं। इन सब से मरीना को काफ़ी धक्का लगता है। फिर जब लॉरा वहाँ से उठती है तो उसे वही मिरर दिखाई देता है जो उसने मरीना की पोस्ट में देखा होता है। फिर लॉरा को मिरर में एक घोस्ट दिखाई देता है, इतने में उसकी फ्रेंड लाइट ऑन कर देती है और वो घोस्ट गायब हो जाता है। इसके बाद स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ प्रोफेसर ने मरीना के सुसाइड के बारे में बताया होता है। दूसरे दिन ये सभी लोग कैंटीन में बैठ के मरीना की सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक फ्रेंड बताता है कि पुलिस को मरीना की डेड बॉडी नहीं मिली है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये था कि कोई भी नहीं जानता था कि मरीना कौन थी और कहाँ से आई थी। सेम नाइट लॉरा को मरीना का मैसेज मिलता है जिसमें एक वीडियो होता है। जब लॉरा वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में मरीना लॉरा की फ़ोटो को जलाती है और सुसाइड कर लेती है। ये सब देख के लॉरा घबरा जाती है और वीडियो को बंद करने की कोशिश करने लगती है लेकिन वीडियो बंद नहीं होता है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि उसके FB अकाउंट पे किसी ने मरीना की सुसाइड का वीडियो अपलोड कर दिया है। लॉरा उसे डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन होता नहीं है। लॉरा को लगता है कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। फिर लॉरा अपने फेसबुक का पासवर्ड भी चेंज कर देती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लॉरा देखती है कि मरीना उसकी फ्रेंड लिस्ट में वापस आ गई है तो वो उसे अनफ्रेंड करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। अगले दिन पुलिस लॉरा से पूछताछ करती है और कहती है कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट कर दे। तब लॉरा उन्हें बताती है कि वो अपनी प्रोफाइल डिलीट नहीं कर पा रही है और कोई भी वीडियो उसने अपलोड नहीं किया है। अगले दिन लॉरा अपने फ्रेंड से मिलने जाती है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। जब वो लॉरा की प्रोफाइल को चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ अजीब से सिंबल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में लॉरा का फ्रेंड अपना लैपटॉप चला रहा होता है जो कि अपने आप बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और वो अपने फ़ोन की लाइट से देखता है तो उसे 2 डरावने फेसेस दिखाई देते हैं जिससे वो डरकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। और जब उसकी फ्रेंड लिफ्ट पर आती है तो वो देखती है कि उस लड़के ने अपना सिर मार मार के सुसाइड कर ली है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी डर जाती है और चीखने लगती है। उसकी डेथ के बारे में सुनकर उसके सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं।
और वो लड़की जिसके सामने ये सब होता है वो इतनी सहम जाती है, इतनी शॉक्ड हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर जब अगले दिन लॉरा अपनी फेसबुक ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके फ्रेंड की सुसाइड का वीडियो अपलोड कर दिया है। लॉरा के सभी फ्रेंड्स को लगता है कि ये सब लॉरा कर रही है। इसके बाद लॉरा की फ्रेंड लिस्ट से धीरे धीरे फ्रेंड डिक्रीज होने लगते हैं। फिर लॉरा फेसबुक पर पोस्ट डालती है कि ये सब वो नहीं कर रही है, तो उसकी पोस्ट वाला मैसेज भी अपने आप चेंज हो जाता है। इन सब के कारण लॉरा को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। इन सब के बाद लॉरा अपने फ्रेंड के पास जाती है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मरीना एक आम लड़की नहीं है, वो एक विच है। इसके बाद लॉरा मरीना के प्राइमरी स्कूल का पता लगाती है और वहाँ जाकर मरीना के बारे में पता करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि मरीना बचपन से ही अकेले रहती थी और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घंटों तक घूरा करती थी जबकि स्क्रीन पर कुछ होता नहीं था और इसी अकेलेपन के कारण उसने ब्लैक मैजिक करना सीख लिया था। अगले सीन में जब लॉरा का फ्रेंड कोवी मरीना की प्रोफाइल को चेक करने की कोशिश करता है तब अचानक से उसके सामने मरीना आ जाती है और रूम की सभी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। इन सब से कोवी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर ओलिविया को पता चलता है कि एलिजाबेल मरीना की एफबी फ्रेंड बन गई है। एलिजाबेल को हॉस्पिटल में जली हुई लेडी की बॉडी दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। फिर उसे दो डरावने फेसेस वाले बच्चे दिखाई देते हैं और वो वहाँ से भागकर हॉस्पिटल के दूसरे रूम में जाकर खुद को लॉक कर देती है और वो वहाँ अपना गला काटकर खुद सुसाइड कर लेती है। ये सब देख के लॉरा बहुत दुखी हो जाती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब मरीना ही कर रही है और लॉरा के एफबी अकाउंट से एलिजाबेल का सुसाइड वीडियो अपने आप पोस्ट हो जाता है जिससे लॉरा के फ्रेंड्स और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब लॉरा के सभी फ्रेंड्स अपनी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर लॉरा का एक फ्रेंड मेडिकल सेंटर जाके मरीना का बर्थ रिकॉर्ड चेक करता है। वो लॉरा को बताता है कि मरीना ने सुसाइड नहीं की है बल्कि वो एक रिचुअल था जिसमें अगर ब्लैक मिरर के सामने अपने आप को फांसी लगाता है या फिर जला लेता है तो वो डेविल या एविल बन जाता है और फिर वो जिसे भी चाहे मार सकता है और मरीना ने भी यही किया था इसलिए वो एक एविल स्पिरिट बन चुकी है। वो लॉरा से बदला लेने के लिए उसके एक एक फ्रेंड को मार रही है। फिर कोवी लॉरा को बताता है कि इन सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, उस ओरिजिनल ब्लैक मिरर को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा जिसके सहारे मरीना ने सुसाइड किया था, तभी वो बच सकती है। और हम देखते हैं कि लॉरा के फ्रेंड्स और भी ज़्यादा कम होने लगते हैं। फिर लॉरा का बॉयफ्रेंड उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर मरीना की माँ रहती थी। वो बताता है कि एक दिन किसी ने वहाँ पर आग लगा दी थी जिससे मरीना की माँ बुरी तरह जल गई थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट रहती है और बड़ी मुश्किल से उसकी डिलीवरी की गई थी। इसके बाद लॉरा को मैसेज आता है कि मरीना और ओलिविया एफबी फ्रेंड बन गई है। ये देखकर वो दोनों ओलिविया की जान बचाने के लिए निकल जाते हैं लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट पहुंचते हैं ओलिविया बुरी तरीके से उनकी कार पर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद ओलिविया उठती है और अपने आप को गोली मार लेती है। यहाँ पर लॉरा और कोवी ब्लैक मिरर ढूंढने के लिए निकलते हैं तो कोवी को मैसेज आता है कि मरीना उसकी एफबी फ्रेंड बन चुकी है और कोवी समझ जाता है कि अगली मरने की बारी उसकी है और वो फ़ोन को फेंक देता है। फिर वो दोनों बेसमेंट में मिरर को चेक करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है। कोवी लॉरा को बताता है कि मरीना लॉरा को अकेला करना चाहती है लेकिन अगर तुम मर जाओ तो वो तुम्हें अकेला नहीं कर सकती, ये कह के कोवी लॉरा को चाकू मार देता है। फिर लॉरा कोवी को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कोवी भी उसके पीछे भागता है लेकिन लॉरा किसी तरह से वहाँ से भागकर दूर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर लॉरा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है जो कि वही फैक्ट्री होती है जो उसे मरीना की एफबी प्रोफाइल में दिखाई देती है। लॉरा किसी तरीके से उस फैक्ट्री तक पहुँचने की कोशिश करती है और वो अपने बॉयफ्रेंड टॉयलर को कॉल करके उस फैक्ट्री पर मिलने के लिए कहती है। अब लॉरा फैक्ट्री पहुंचती है। इसके बाद कोवी और टॉयलर भी फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं और जब लॉरा फैक्ट्री में ब्लैक मिरर को ढूंढने लगती है तब उसे उसकी माँ का कॉल आता है जिसमें वो बहुत डरी हुई होती है। उसके बाद उसे मरीना के विजन्स दिखाई देते हैं और फिर उसकी माँ भी सुसाइड कर लेती है। ये सब देख के लॉरा शॉक्ड हो जाती है। मरीना लॉरा की माँ तक को नहीं छोड़ती है। इसके बाद लॉरा टॉयलर के पास जाती है और उसे उसकी माँ के बारे में बता ही रही होती है कि कोवी टॉयलर को चाकू घोंप देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लॉरा वहाँ से भाग जाती है और कोवी भी उसके पीछे भागता है। कोवी जब उस पर अटैक कर ही रहा होता है कि बहुत सी मक्खियाँ उसे बुरी तरीके से काट लेती है और कोवी भी वहीं की वहीं मर जाता है। फिर लॉरा अपने सभी फ्रेंड्स की एक एक करके डेथ देखने के बाद अंदर से एकदम टूट जाती है और इसलिए वो चिल्लाने लगती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब मरीना अपने चाइल्ड फॉर्म में आके उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ।
फिर मरीना लॉरा को ओरिजिनल ब्लैक मिरर के पास लेके जाती है, और जब लॉरा उस ब्लैक मिरर के अंदर देखती है तब मरीना वहाँ उसे अपनी तरह विश बना देती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है और यहाँ पर एक अजीब सी लड़की उसे घूर रही होती है, और ये अजीब लड़की और कोई नहीं बल्कि लॉरा होती है, जो कि अब पूरी तरीके से मरीना की तरह अकेली हो जाती है और अब उसकी FB प्रोफाइल में 0 फ्रेंड होते हैं। अब लॉरा पूरी तरीके से अकेली हो गई थी और यही मरीना चाहती थी, और बस यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। तो जो भी हॉरर मूवी पसंद करते हो उन्हें एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।